जो दुख है वहां का लोगों को अगर दुख का प्रकट नहीं किया जाएगा आपके पास, अनिवार्य नहीं होगा, तो लोग झाड़ू मार के हम लोग को भगा देगा। हम लोग सदन में किस लिए आए हैं? अगर जो आए हैं उसका काम नहीं होगा, जवान बेटा मरता है, जवान पति मरता है किसी का, उसका जवाब कौन देगा? उसका 5 किलोमीटर के बजाय 65 किलोमीटर जाता है हजूर पोस्टमार्टम के लिए, यहाँ डॉक्टर पोस्टमार्टम नहीं करता है। जो दुख है वहां का लोगों को अगर दुख का प्रकट नहीं किया जाएगा आपके पास, अनिवार्य नहीं होगा, तो लोग झाड़ू मार के हम लोग को भगा देगा। हम लोग सदन में किस लिए आए हैं? अगर जो आए हैं उसका काम नहीं होगा, जवान बेटा मरता है, जवान पति मरता है किसी का, उसका जवाब कौन देगा? उसका 5 किलोमीटर के बजाय 65 किलोमीटर जाता है हजूर पोस्टमार्टम के लिए, यहाँ डॉक्टर पोस्टमार्टम नहीं करता है। माननीय सदस्य श्री रीतलाल राय, अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से विस्तार करती है कि वह सारण जिला के अनुमंडल कार्यालय सोनपुर के पत्रांक 280 दिनांक 24/7/2021 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी सोनपुर एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सोनपुर द्वारा जिलाधिकारी सारण को समर्पित प्रतिवेदन के आलोक में पटना जिला के दानापुर प्रखंड के पंचायत मानस पुरानी पानापुर एवं कासिंग चक को मिलाकर एक ओपी बनावे। गृह विभाग माननीय मंत्री जी। महोदय, वस्तु स्थिति है कि पटना जिला अंतर्गत अकीलपुर थाना पूर्व में पटना के अंतर्गत था, जिसे सरकार के स्तर से उस क्षेत्र के नागरिकों की सुविधा हेतु पटना जिला से पृथक करते हुए सारण जिला समायोजित किया गया है। मानसपुर पानापुर एवं कश्मीर चक अकीलपुर थाना में 4-10 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। 4 से 10 बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा की अधिसूचना संख्या 2 थाना 2/10/29/2017 गृह आरक्षी 78/91 पटना दिनांक 3/10/17 के आलोक में अकीलपुर थाना का प्रशासनिक नियंत्रण पटना जिला से हटाकर सारण जिला में निर्धारित किया गया है। उपरोक्त वर्णित वर्तमान में व्यवस्था में कोई परिवर्तन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती, तो उनसे आग्रह किया जाए। अध्यक्ष महोदय, 280 पत्रांक नंबर 24/2021 को इस सरकार के माध्यम से ही सदन के माध्यम से जवाब दिया गया था। अकीलपुर थाना अंतर्गत अकीलपुर पंचायत दिघवारा के साथ सोनपुर प्रखंड के कस्मर पंचायत के 3 वार्ड, रसालपुर पंचायत के 4 वार्ड एवं दरियासुल के पंचायत के 2 वार्ड तथा गंगा के उस पार अवस्थित है एवं भौगोलिक दृष्टिकोण के सामान्य है, जो मिलाकर एक ओपी बनाया जा सकता है तथा दानापुर प्रखंड के पंचायत मानस पुरानी पानापुर एवं कासिम चक को मिलाकर एक अलग ओपी बनाया जा सकता है, जो पटना पुलिस जिला से संबंध हो। ये जवाब सदन के माध्यम से हमको 2021 से मिला था सर, अभी तक कुछ नहीं किया गया है। माननीय सदस्य श्री रीतलाल राय जी, माननीय मंत्री जी के द्वारा जो बातें कही है उससे आप अपना जो विचार उस पर दिए हैं, तो मंत्री जी ने जो कार्रवाई करना चाहिए वो उन्होंने जानकारी दे दिया। मैं अब चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, अपना प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय ले ले। अध्यक्ष महोदय, दुख इस बात की होती है तब जब हमारी सरकार के द्वारा प्रतिनिधि भेजकर जब घटना दुर्घटना होता है तो संवेदना व्यक्त किया जाता है, साथ साथ मुआवजा की राशि भी दी जाती है और उसी परिवार के बच्चा से बूढ़ा तक का जो व्यक्ति के साथ घटना घटता है और उसका पोस्टमार्टम के लिए 5 किलोमीटर के बजाय उसको 65 किलोमीटर जाना पड़ता है, कैसा महसूस होगा उसको, जो कि अंग्रेजों के जमाना से हमारे यहाँ जो जिस तरह का बनावट है उसके अनुसार थाना का विस्तार हुआ है। पहले हमारे यहाँ दानापुर थाना था, आवश्यकता पड़ी तो शाहपुर ओपी बना, फिर थाना में तब्दील हुआ, फिर उसके बाद में अकीलपुर ओपी बना, जब आवश्यकता पड़ा तो थाना में तब्दील हुआ, फिर हमारे यहाँ रूपसपुर ओपी बना, उसके बाद में रूपसपुर थाना तब्दील हुआ। आज क्यों नहीं बनाया जा सकता है जब ओपी की आवश्यकता है तो?
आप जब वहाँ के लोगों के लिए अध्यक्ष महोदय मेरी बात को समझा जाए, जो दुख है वहाँ का लोगों को अगर दुख का प्रकट नहीं किया जाएगा आपके पास, अनिवार्य नहीं होगा तो लोग झाड़ू मार के हम लोग को भगा देगा। हम लोग सदन में किस लिए आए हैं? अगर जो आए हैं उसका काम नहीं होगा, जवान बेटा मरता है, जवान पति मरता है किसी का, उसका जवाब कौन देगा? उसका 5 किलोमीटर के बजाय 65 किलोमीटर जाता है हजूर पोस्टमार्टम के लिए। यहाँ डॉक्टर पोस्टमार्टम नहीं करता है, हम पोस्टमार्टम नहीं करेंगे, हमको जाना पड़ेगा सारण जिला में केस का जवाब देने के लिए, गवाही देने के लिए। ऐसे स्थिति में हम लोग क्या करें? अध्यक्ष महोदय इसका हमको आपसे निवारण की आवश्यकता है। और गार्जियन हमारे मंत्री महोदय भी है, सभा के अध्यक्ष भी गार्जियन महोदय है, हम चाहेंगे आप लोग इसको निवारण करें, पूरे सदन के सहयोग से इस समस्या के निवारण हम चाहते। माननीय सदस्य, आपने अपने भावना को व्यक्त कर दिया, यह गैर सरकारी संकल्प है, इसलिए मैं आपसे चाहूंगा कि आप अपने प्रस्ताव को, आपने जो कहना था सो कह दिया, आप अपने गैर सरकारी संकल्प को वापस ले लीजिए। अध्यक्ष महोदय गार्जियन है, मंत्री महोदय अभिभावक हैं, आप भी अभिभावक हैं, सदन भी अभिभावक के रूप में कई को यहाँ पे मौजूद हैं। हम सभी से आग्रह करते हुए आप लोग के ऊपर छोड़ देते हैं कि आप लोग क्या करेंगे, जो करना है सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। आप देख रहे हैं वोकल फॉर लोकल, आपकी आवाज है हम।